मुरादाबाद पुलिस ने ऐसे गैंग का खुलासा किया जो दिल्ली से लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर देह व्यापार का धंधा कराता था। सेक्स रैकेट गिरोह का संचालन पति पत्नी के द्वारा किया जा रहा था। यहां बताते चले कि विगत 25 अक्टूबर को मंझूला पुलिस को एक लड़की गश्त के दौरान मिली थी। पुलिस ने इस नाबालिग लड़की को CWC को सौंपकर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी। जांच में पाया गया कि मंझूला थाना क्षेत्र के बुद्धि विहार निवासी विजय छाबड़ा अपनी पत्नी मोना शर्मा के साथ मिलकर इस लड़की को दिल्ली से नौकरी का झांसा देकर मुरादाबाद लेकर आए थे। इन लड़कियों को मुरादाबाद के होटलों में देह व्यापार के लिए भेजा जाता था, जिसकी एक रात की कीमत 12,000 ली जाती थी। इस 12,000 की नकदी में से कुछ खर्चे लायक रुपए इन लड़कियों को दिए जाते थे, बाकी रकम ये पति पत्नी हड़प लेते थे। पुलिस ने सिविल लाइन थाना क्षेत्र से विजय छाबड़ा, उसकी पत्नी मोना और ड्राइवर आविद को गिरफ्तार किया है। इन मासूम लड़कियों को इस गैंग से मुक्त कराया। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को जेल भेज दिया। और लड़की से पूछताछ की और इस दौरान आज 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। विजय छाबड़ा जो मूल रूप से कोठीवाल नगर कोतवाली में रहने वाला है और इस समय बुद्धि विहार में रहता है, इसकी पत्नी जो है मोना शर्मा वो भी इसके साथ इस कार्य में संलिप्त थी। इसके अलावा आबिद एक व्यक्ति है जो इनके साथ रहता है, इस कार्य में इनकी मदद करता है, जो चक्कर की मिलक थाना सिविल लाइन में काम करता है रहता है। इसकी पूछताछ से अभी तक ये जानकारी में है कि इसको कुछ होटलों में यहाँ पे भेजा गया था, जिसके बारे में जानकारी की जा रही है। इसमें जो भी तथ्य आएंगे उसके अनुसार कार्रवाई पूर्ण करी जाएगी।